भारत में नए संसद भवन की चर्चा जोरों शोरों पर है। नए संसद भवन को वास्तु के अलावा हर लिहाज से सुंदर बनाने की कोशिश की गई है। इस नए भवन को बनाने में वास्तुविदों ने कई देशों की संसद का निरीक्षण कर उनसे प्रेरणा ली। बता दें कि दुनिया भर में ऐसे कई पार्लियामेंट हाउस है जो दिखने में बेहद ही आकर्षक है। इनमें उस देश की संसद भी शामिल है जिसने लगभग दुनिया भर पर राज किया। सबसे पहले बात करते ब्रिटेन की इस संसद भवन की। ब्रिटेन स्थित पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर दुनिया भर में सभी सांसदों का मूल माना जाता है। थेम्स नदी के किनारे बने इस पार्लियामेंट हाउस को चार्ल्स बेरी और ऑगस्टस वेल्बी फोगिन ने डिजाइन किया था। बता दें कि इस भवन की खूबसूरती दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर खींचती है। पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में तीन टावर बने हुए हैं जो एलिजाबेथ टावर, न्यू पैलेस और हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाने जाते हैं। अपने अनोखे बनावट की वजह से साल 1987 से यह भवन यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों का हिस्सा है। दूसरे नंबर पर बात करते श्रीलंका के संसद भवन की। श्रीलंका के पार्लियामेंट हाउस की भी गिनती दुनिया भर के बेहतरीन संसद भवन में होती है। इस भवन के निर्माण में 4 साल का समय लगा और इसका नक्शा श्रीलंकन वास्तुविद जोफ्री बाबा ने बनाया था। इसमें श्रीलंकन बौद्ध इमारतों के अलावा काफी मॉडर्न छाप भी है। साथ ही इस भवन के सारे दरवाजे चांदी जैसे चमकीले हैं। इस भवन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक झील के पास बसी है जहां से प्राकृतिक का सुंदर नजारा देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पर बात करते बांग्लादेश के संसद भवन की। बता दें कि एशियाई देशों की संसद सुंदरता के लिहाज से ऊपर रखी जाती है। इन्हीं में से एक है बांग्लादेश का संसद भवन। ढाका में स्थित भवन का आर्टिफिशियल झील के किनारे बना है। वैसे तो इस भवन को बाहर से देखने पर केवल एक इमारत की तरह लगता है, लेकिन भीतर 8 इमारतें आपस में जुड़ी हुई हैं। बात करते रोमानिया के संसद भवन की। यूरोपियन देश रोमानिया का संसद भवन मजबूत पार्लियामेंट भवनों में से एक है। बुखारेस्ट में स्थित इस भवन को वास्तुकार एनका प्रेटिशिया ने डिजाइन किया है। इस भवन को बनाने में 20,000 सैनिकों और कैदियों ने दिन रात काम किया, तब जाकर यहाँ की भव्य इमारत बन सकी। इस संसद का भीतरी का हिस्सा संगमरमर से बना हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस भवन में 8 खुफिया सुरंगें भी हैं ताकि आपात स्थिति में सांसद निकल सके। 5वें नंबर पर बात करते स्कॉटलैंड के संसद भवन की। बहुत ही खूबसूरत कई इमारतों से बने इस भवन की खासियत है कि सारे भवन एक दूसरे से एकदम ही अलग है। इस पार्लियामेंट हाउस का नक्शा वास्तुविद एनरिक मिरालस ने तैयार किया था, लेकिन नक्शा तैयार होने के साथ ही उनकी मौत हो गई। हालांकि नक्शे में फेर बदल उसे वैसे का वैसा उकेर दिया गया। 6वें नंबर पर बात करते जर्मनी के संसद भवन की। जर्मनी का संसद भवन भी काफी खूबसूरत है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में स्थित इस भवन का निर्माण साल 1884 से 1894 के बीच हुआ। हालांकि इसमें हिटलर के दौर से आगे काफी बदलाव हुए। 90 के दशक में अंग्रेज वास्तुविद नॉर्मन फास्टर ने इसमें कई बदलाव किए थे। 7वें नंबर पर बात करते फिनलैंड के संसद भवन की। फिनलैंड का पार्लियामेंट हाउस बहुत ही सुंदर है और मजबूत है। यह पार्लियामेंट हाउस देश की मजबूती को दिखाता है। इस भवन का निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है। हालांकि इमारत भीतरी रंगों का काफी शानदार प्रयोग किया गया है।